तो जिस लड़के को भी ना दातर की मदद से चारा काटने की ट्रेनिंग नहीं है, तो ये मुझसे जो ना वो ट्रेनिंग लेने के लिए आया होगा कि चारा काटने का मुझे तरीका बताओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे व्यूअर जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वीडियो को लाइक कर दे। तो जी ये मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया मुझे व्लॉग बनाए हुए। तो व्लॉग बनाने की क्या वजह थी, क्योंकि मैं काम में कुछ मसरूफ़ था, तो आज के बाद ना मेरा डेली रूटीन के हवाले से ना ब्लॉग आया करेगा। तो अभी मैं और मेरा दोस्त आए हैं बाहर को घूमने, ये कच्चे पेपर हम लोग आ गए हैं गांव से बहुत दूर। और जी इधर लोगों ने गंदम काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगाई हुई है, सुबह धुंध पड़ी थी लेकिन अभी ना उतर गई है। तो जी अभी मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ, क्योंकि हम गाँव से ना बहुत दूर आ गए थे वैसे सैर करते करते। तो अभी हम जा रहे हैं गाँव की तरफ और आपको माहौल बताते हैं अपने गांव का जी। तो जी इधर लोगों ने काफ़ी तादाद में ना गंदम की जो फसल होती ना वो लगाई हुई है, इधर छोटी फसल है और इधर ना गंदम की फसल ना बड़ी हो गई है। सुबह धुंध बहुत ज़्यादा थी, अभी भी वो देखो है लेकिन धुंध अपना कम हो गया सूरज की वजह से, शबनम ना अभी भी पड़ी हुई है गंदम के ऊपर, ये देखो जी शबनम अभी भी पड़ी हुई है। तो हम लोग बाहर आज व्लॉग बनाने आए थे गांव से बहुत दूर, तो आज के बाद मेरा डेली रूटीन के हवाले से ना व्लॉग आया करेगा। और जी ये जो सारा रास्ता है ये कच्चा रास्ता है, जब बारिश हो जाना तो यहाँ से गुजरना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो अभी भी ना यहाँ पानी खड़ा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ना बारिश हुई थी, तो अभी तो नॉर्मल हो गया ये रास्ता, ये देखो जी। तो जी ये हमारे गाँव के पास ही रास्ता है, ये पहले कच्चा था लेकिन अभी ना हुकूमत ने इसको ना रोड बना दिया, ये देखो जी अभी अभी ये तैयार हुआ है, ये वाला हमारा गांव है इधर और ये रास्ता हमारे गांव के पास ही है जी, ये देखो। और पास ही में लोगों ने बीम का बर्तन भी लगाया हुआ है, अभी 1-2 लोग देगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सर्दी ना अब जा रही है। और इसके साथ ही किसी ने ना भोसा लगाया हुआ है, ये देखो जी। और जी इधर तो माशाल्लाह गंदम की फसल ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि ये पहले की लगी हुई थी, ये देखो जी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। और जी अब हम चलते चलते आ गए जी कब्रिस्तान में, ये रही जी जनाजगा, ये रही जी जनाजगा, ये देखो इसको गेट वगैरह लगा दिया तो अभी ये तैयार हो गई है, आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये देखो जी ये जनाजगा तैयार हो गया, उधर ना रेत वगैरह पड़ी हुई है, तो अभी इसको ना थोड़ा सा और तैयार करना जी। और जी इधर कब्रिस्तान में ना स्लैब वगैरह भी ना तैयार बहुत ज़्यादा कर दी है, ये देखो जी। जी इधर वेट पड़ा हुआ तकरीबन इसका वजन 120 किलो है, मतलब के 3 मान के ना आसपास, और अभी मेरा फ्रेंड ने इसको उठाएगा, ये जी लिखा हुआ वजन इसका, और मेरा दोस्त ने इसको उठाने की कोशिश करेगा। चलो दीदी साहब चुको जी, ये शेरा या कोशिश कर चुपा पागना तह चुक कर हाँ कोशिश दरम्यान चो पा दरम्यान चो कलावा पा कोट खोल ला। तो जी ये इससे नहीं उठाया गया, ये हार मान गया जी, चलो आ जाओ। तो जी इधर किसी भाई ने ना काफ़ी ज़्यादा तादाद में ना सरों लगाई हुई है, ये देखो जी। और जब ये तैयार हो जाएगी ना तो इसको सुखा करना, इसका तेल निकालेंगे मशीन से, जिसे हम कनोला का तेल नहीं बोलते, सरों का तेल पंजाबी में, ये देखो जी वो उधर तक ना काफ़ी ज़्यादा तो आदमी ना किसी भाई ने यह लगाई हुई है। सर हो जी भी जी मैं और मेरा दोस्त सड़क से गुजर रहे थे, तो इधर किसी ने काफ़ी ज़्यादा तो आदमी ना लहसुन लगाया हुआ और ये काफ़ी बड़ा भी हो गया, ये देखो जी ये बहुत ज़्यादा लहसुन लगाया हुआ, आगे भी इसका बीज लगाया हुआ, ये देखो जी बहुत ज़्यादा लहसुन लगाया हुआ। और जी इधर जानवरों का जो गोबर होता ना उसके ना जो पंजाबी जबान में हम गोई नहीं बोलते, वो किसी ने लगाया हुआ है सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा। और जी इधर पास ही में ना कमादी चढ़ी है, इसको पानी और खाद देते रहे तो ये बड़ी होती जाती है, मतलब के इसका एंड नहीं होता, ये 12 साल तक ना चलती है, ये देखो जी ये भी काट दी गई है, तो इसकी जो पुंगड़ होती ना
फिर से ये देखो जी तैयार होने लगी है जी। इधर भी ये देखो गोबर वगैरह लगाया हुआ है, इधर तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये देखो जी गोबर लगाया हुआ है गाँव का माहौल। तो हम चलते चलते अपने गाँव के ना पास ही पहुँच गए हैं, ये रहा जी हमारा गाँव। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। अभी जी मैं अपने दोस्त के पास आ गया हूँ और ये काट रहा जी जानवरों का चारा, ये देखो जी दातरे से चेक करो। दे यार एक बारी। तो जिस लड़के को भी ना दातर की मदद से चारा काटने की ट्रेनिंग नहीं है तो ये मुझसे जो ना वो ट्रेनिंग लेने के लिए आया होगा कि चारा काटने का मुझे तरीका बताओ जी। क्योंकि ये हाथ के मदद से चारा काटता है दातरी से, और दातर से जो है ना वो चारा कम लोग काटते हैं, लेकिन देखा भी इसको जो है ना वो अच्छी तरह ट्रेंड नहीं है। ऐसे कोई हफ्ता एक चारा काटेगा ना मेरा तो फिर जो है ना फिर इसको ट्रेनिंग होनी है। तो जी अभी हमने भैंसों के लिए जो है ना वो चारा काट लिया। ये देखो आज फ्राइडे है जुमा, तो इसलिए हम जल्दी से काम कर रहे हैं क्योंकि जुमा पढ़ने भी जाना आज। तो अभी ये चादर में जो है ना वो चारा डालेगा शजात। दस ना एक मुर्गे पट्ठे बांध देना, अच्छी तरह जो है ना वो चारा आपने इकट्ठा करना है और फिर डालना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ये सर्दी लगती है इसलिए। यस तो जी बरसीम माशाल्लाह अभी जो है ना वो सूरज काफ़ी तेज़ निकलता है और बरसीम जो है ना तो बहुत बहुत बड़ा हो गया। तो जो पिछले दिन गुजरे हैं ना उसमें तो बरसीम बहुत ही शार्ट था, कम से कम 850 रुपये मन तक जो है ना बिकता था। तो अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, तो अभी जो है ना वो सस्ता हो गया क्योंकि चारा जो है ना वो लोगों का बड़ा होना स्टार्ट हो गया जी। ये हमने साग के तौर पे जो है ना इस्तेमाल करते हैं इसको, इसका हम लोग सरसों का साग बनाते हैं। तो जी हम लोगों ने चारा बांध लिया, तो इसके बाद जो है ना वो जुमे की तैयारी करेंगे। तो 12 बज गए, हमने सोचा था कि जल्दी जो है ना फारग हो जाएंगे, लेकिन 12 बज गए हैं, यार लेट हो गया, थोड़ा सा काम था इसलिए। तो जी अभी दोस्त चारा लेकर जा रहा है, तो अभी हम भी निकल जाए घर को, जुमे की तैयारी करते हैं। खुदा हाफिज़। तो जी आज का व्लॉग इधर ही करते हैं ख़त्म, और मुझे कमेंट में बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।